generacy. While solving LPP, sometimes it may happen that there will be tie in selecting row or selecting column. वो हमने previous section में देखा कि कई जगह पे possibility है कि जब हम रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं उस टाइम वहाँ पे उन दोनों में टाई होता है, ठीक है. तो उन दोनों में से कौन सा एंटरिंग वेरिएबल ले और कौन सा लिविंग वेरिएबल ले, तो वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला केस है टाई इन कॉलम. जब कॉलम है, कॉलम के अंदर टाई है, अगर दो वेरिएबल्स है, ठीक है, तो वहाँ पर सी जे माइनस जेड जे हमको यहाँ पर 2 2 मिला, और उन दोनों में से हमको अगर एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो उसका रूल सबसे पहले डिस्कस करते हैं. टाई इन सिलेक्टिंग कॉलम. जनरली द वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन सी जे माइनस जेड जे इज एंटरिंग वेरिएबल. और टाई इन सिलेक्टिंग occurs when the value of cj minus zj are same, वो हमने अभी देखा. So to overcome this dilemma, general preference is given to the decision variable rather than slack variable or artificial variable. अभी suppose ये हमारा table है, इसके अंदर ये x1 है, x2 है यहाँ पर, और यहाँ पर slack variable है s1, s2 और artificial variable है a1, a2. और यहाँ पे जो बॉटम कॉलम होगी वो है सी जे माइनस जेड जे. तो अभी सपोज़ ये वैल्यू 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -3 है, ये 4 है. और अभी इसमें से अगर सपोज़ यहाँ पे सपोज़ 2 है, यहाँ पे टाई दोनों में हो रही है, आर्टिफिशियल वेरिएबल और ये हमारे है डिसीजन वेरिएबल. इसको कहते हैं डिसीजन वेरिएबल. जो x1 x2 x3 है वो डिसीजन वेरिएबल है, S1, S2 सारे है स्लैक वेरिएबल, और ये A1, A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल. नाउ देर इज अ टाई इन दिस टू कॉलम. यहाँ पे सपोज ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो प्रेफरेंस है वो हम डिसीजन वेरिएबल को लेंगे रादर देन द स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल. सपोज यहाँ पे भी अगर 2 है तो जो हम प्रेफरेंस देंगे वो डिसीजन वेरिएबल को देंगे. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. इफ देर इज टाई इन डिसीजन वेरिएबल देन एनी डिसीजन वेरिएबल कैन बी रेंडमली सिलेक्टेड. अभी यहाँ पे सपोज जो हमने आगे केस देखा था कि सपोज ये हमारे डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3 और यहाँ पे जो सी जे माइनस जेड जे हमको मिला, सपोज यहाँ पे 2 2 और 1 मिला, तो यहाँ पर दोनों में टाई है तो हम दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही सिलेक्ट करे या यही सिलेक्ट करे, बट अगर सही सिलेक्ट किया होगा तो इटरेशन थोड़े कम हो जाएंगे, और अगर रॉन्ग किया तो इटरेशन एक आध टेबल बढ़ जाएगा, लेकिन हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ऑल्दो देयर इज़ नो पर्टिकुलर मेथड बट दिस थंब रूल इज़ यूज्ड टू ओवरकम सच कंडीशन. और यही थंब रूल यहाँ पे यूज़ किया जाता है. इफ द रॉन्ग सिलेक्शन इज डन वाइल सिलेक्टिंग द कॉलम इट विल लीड टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन बट इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इटरेशन. जो हम टेबल बना रहे थे वो टेबल इंक्रीज हो जाएंगे अगर गलत सी जे माइनस जेड जे ले लिया तो, ठीक. सो दिस इज अबाउट द टाई इन सिलेक्टिंग कॉलम और एंटरिंग वेरिएबल. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाई इन सिलेक्टिंग रो और लिविंग वेरिएबल. अभी जो दूसरी कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा कि सपोज़ ये यहाँ पे x1, x2, यहाँ पे s1, s2 ये है वेरिएबल, यहाँ पे ये x1 है, ये s1 है, और यहाँ पे ये जो bi है वो राइट हैंड साइड थी, और जो थीटा है वो रेशियो था. थीटा जो हमको मिला वो सपोज़ यहाँ पे मिला 2 2. अभी इन दोनों में टाई है तो लिविंग वेरिएबल कौन सा होगा, मतलब की रो हम कौन सी सिलेक्ट करें, तो उसके लिए हमारा रूल क्या है वो डिस्कस करते हैं. इफ देर इज़ टाई इन मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो यानी कि जो थीटा था वो ऑफ द वेरिएबल, देन सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डीजेनरेसी. और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डीजेनरेसी, एंड सच सॉल्यूशन जो हमको मिलेगा उसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड सॉल्यूशन.
और ऐसा जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा वो डी जनरेटेड सॉल्यूशन होगा। नाउ डी जनरेसी में ऑल्सो अकर इन इनिशियल स्टेजेस व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इनिशियल बेसिक वेरिएबल इज ज़ीरो इन IBFF। अभी जो डी जनरेसी कब आ सकती है, जब इनिशियल स्टेजेस में हम लेते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में यहाँ पे जो बेसिक हम लिखते थे, सो बेसिक के अंदर X1 का कोफिशेंट अगर ज़ीरो है, X2 का ज़ीरो है, या कोई भी एक ज़ीरो है, तो जो भी जो सॉल्यूशन है अगर वो ज़ीरो है, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में वन बेसिक वेरिएबल अगर ज़ीरो है X1 या X2 में से, तो यहाँ पे IBFS यहाँ पे डीजेनरेसी हमको मिल सकती है। सो डीजेनरेसी अकर्स इन टू कंडीशंस। सबसे पहली है देर इज़ अ टाई इन मिनिमम नॉन नेगेटिव रेशियो, यानी कि अगर थीटा है उसमें हमको टाई मिलेगी, जो थीटा है उसकी वैल्यू अगर सेम मिली तो वहाँ पे हम कैसे सिलेक्ट करें की रो, और व्हेन एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज़ ज़ीरो, या फिर जो बेसिक वेरिएबल है X1, X2, X3, इनमें से कोई भी एक अगर ज़ीरो है तो उसके लिए जो IBFS है, दिस में अकर व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ कंस्ट्रेंट इज़ ज़ीरो, यानी कि X1 इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ऐसी कोई कंडीशन दी हुई है तो जो X1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, राइट हैंड साइड BI विल बी ज़ीरो, तो ऐसा केस में अगर पॉसिबल है। इफ़ आर्बिट्री सिलेक्शन ऑफ आउट गोइंग इज डन देन दिस विल रिजल्ट इन अदर टाइड वेरिएबल बिकम ज़ीरो एंड इन नेक्स्ट टेबल एंड द सोल्यूशन सेड इज डी जनरेटेड। यहाँ पर हम थम रूल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कॉलम में हम रेंडमली कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो चलता था, लेकिन यहाँ पर अगर रेंडमली सिलेक्ट किया तो जो दूसरा वेरिएबल होगा X2, सपोज X1 इज इक्वल टू ज़ीरो है, या तो फिर जो थीटा है वो हमको यहाँ पर टाइम मिला, थीटा की वैल्यू कॉमन मिली, तो यहाँ पे अगर हम जो भी आर्बिटरी कोई भी अगर सिलेक्ट करेंगे कोई भी रो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दूसरा वेरिएबल था X1 तो ज़ीरो था ही सपोज़, और तो जो X2 है वो भी हमको ज़ीरो मिलेगा, यानी कि जो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो यहाँ पे नेक्स्ट टेबल नहीं मिलेगा और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो डीजनरेटेड हो जाएगा। There is no assumption that the value of objective function will improve since new solution may remain degenerated. अभी यहाँ पर हम कोई assumption नहीं, assurance, surety नहीं दे सकते कि जो भी objective function है वो improve करेगा और जो नया solution होगा वो degenerated नहीं रहेगा। So this seriously reduces the efficiency of simplex method and result in endless cycling without improving the solution. So यहाँ पर ये simplex method की आप एरर कह सकते हो कि इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी, यानी कि टेबल पे टेबल हमको मिलेगी लेकिन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो इम्प्रूव नहीं होगा। टू ओवरकम दिस पर्ट्यूबरेशन विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट मेथड, पर्ट्यूबरेशन मेथड इज़ अप्लाइड एंड फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर द सेम। रिमेंबर दिस इज़ द पर्ट्यूबरेशन मेथड एंड वी विल यूज़ इन द एग्जाम्पल। फर्स्ट डिवाइड द ईच एलिमेंट इन टाइड रो बाय पॉजिटिव कोफिशेंट ऑफ की कॉलम इन दैट रो, यानी कि सपोज ये हमारा टेबल है, यहाँ पे ये X1 है, X2 है, S1, S2 और यहाँ पे ये BI है, उसके बाद थीटा है, फिर क्या होगा, जो भी जो वैल्यू है सपोज़ यहाँ पे हमको CJ-ZJ मिल गया, और यहाँ पे टाई जो है वो यहाँ पे सपोज़ इन दोनों में टाई है, सो इनमें से कौन सी हमको रो सिलेक्ट करनी है वो डिसाइड करना है। तो सपोज़ ये हमको सबसे पहली सेकंड वाली अगर की कॉलम मिली, ये हमको की कॉलम मिली CJ-ZJ से, तो हमको क्या करना है कि जो भी डिवाइड द ईच एलिमेंट इन टाइड रो बाय पॉजिटिव कोफिशेंट ऑफ की कॉलम, यानी कि ये जो टाई रो है, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन सब में हमको क्या करना है, ये यहाँ पे सपोज़ 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सपोज़ वैल्यू है 3, तो हमको 3 को 1 से डिवाइड करना है और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि
यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसको हम जो की कॉलम का एलिमेंट है उससे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको उससे डिवाइड करेंगे। सब में ऐसा कर दिया, तो जो भी टाई वाली है उसमें हमको ये चीज़ करनी है कि जो भी टाई वाली रोज़ है उसमें जो भी एलिमेंट्स है बाकी के की कॉलम के अलावा उसको क्या करना है, वो की कॉलम नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो दूसरा स्टेप है कंपेयर द रिजल्टिंग रेशियो, और जो भी रिजल्टिंग रेशियो हमको मिलेगा कॉलम बाय कॉलम उसको कंपेयर करना है, एंड फर्स्ट इन आइडेंटिटी देन इन द बॉडी ऑफ सिंप्लेक्स टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट तक हमको कंपेयर करना है, यानी कि जो भी रेशियो मिलेगा, सपोज़ वहाँ पे 3/2 मिला और इसके लिए 1/2 मिला सपोज़, तो वो हमको कंपेयर करना है। सबसे ये पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद दूसरा कंपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसमें से क्या करना है, द रो विच फर्स्ट कंटेन द स्मॉलेस्ट एल्जेब्रिक रेशियो कंटेन्स द आउटगोइंग वेरिएबल, द सिंप्लेक्स मेथड इज देन कंटिन्यू टू रीच ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी कि सपोज़ ये पहली वैल्यू मिली 3/2 और ये 1/2, जो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमको सिलेक्ट करनी है, इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है, और वो ही हमारी की रो होगी। यही स्टेप्स को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर द सेम। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स है वो लेस देन और इक्वल टू टाइप ही है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी स्लैक वेरिएबल, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आएगा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो जो भी फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसको लिखेंगे 4x1 प्लस 3x2 प्लस, यहाँ पे s1 स्लैक वेरिएबल होगा, लेस देन और इक्वल टू साइन जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, सो यहाँ पे 12 आएगा। उसके बाद 4x1 प्लस x2 प्लस s2 इक्वल टू 8, 4x1 माइनस x2 प्लस s3 इक्वल टू 8, और जो z है उसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस s1, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 s2 0 s3। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको हम सिंप्लेक्स टेबल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की वैल्यू है ये यहाँ पे मेंशन की हुई है, और इसको हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले जो टेबल फॉर्म करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएगा बेसिक, उसके बाद आएगा कोफिशिएंट ऑफ बेसिक, फिर x1 x2 s1 s2 s3 एंड देन देयर विल बी bi राइट हैंड साइड, एंड द वी हैव टू फाइंड राइट द cj दैट इज़ द कोफिशियंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, वी विल राइट द कोफिशियंट एट हियर 2100, सो इट विल बी 21000। नेक्स्ट वी विल राइट द एंटरिंग वेरिएबल, हियर इट इज़ द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS के तौर पे हम क्या लिखते हैं, जो भी स्लैक वेरिएबल्स है वो यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे S10 S20 S30 वो सारे यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट्स है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट है ये वाली, उसके जो कोफिशेंट्स है, X1 का कोफिशेंट 4, X2 का कोफिशेंट 3, S1 का 1 और S2 S3 का 0 और राइट हैंड साइड 12 है, वो यहाँ पे लिख देंगे 4, 3, 1, 0 and 12। सिमिलरली यहाँ पे है 4, 1, 0, 1, 0, 8, 4, 1, 0, 1, 0, 8। थर्ड के लिए है 4, -1, 0, 0, 1, 8, 4, -1, 0, 0, 1, 8। उसके बाद हम zj फाइंड करेंगे, सो zj विल बी द बेसिक कोफिशेंट इनटू द की कॉलम, जो भी कॉलम का एलिमेंट है वो, प्लस दिस बेसिक एलिमेंट कोफिशेंट ऑफ बेसिक इनटू की कॉलम एलिमेंट प्लस दिस इनटू दिस। तो सबसे पहले के लिए 0 आएगा,
सेकंड के लिए फाइंड करेंगे तो सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो यहाँ पे ज़ीरो से सबका मल्टीप्लीकेशन है तो सब यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सी जे माइनस जेड जे, तो यहाँ पे टू में से ज़ीरो, तो यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन है, सो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो सी जे माइनस जेड जे की कौन सी होनी चाहिए, ज़ीरो या नेगेटिव। बट यहाँ पे दो वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, वो हम सिलेक्ट करेंगे एज अ की कॉलम। तो हमको की कॉलम यहाँ पे मिलेगी, ये हमारी की कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद हमको की रो फाइंड करनी है, तो जो की कॉलम के यहाँ पे एलिमेंट्स है यहाँ पे उनको डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे थीटा है वो नॉन नेगेटिव रेशियो हमको मिलेगा। यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे 3 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4, सो 1 बाय सॉरी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो रेशियो यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे 2 आएगा, सबसे पहली वैल्यू आएगी और 3, देन विल बी 2 एंड 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों वैल्यूज़ है, यहाँ पे टाई मिला हमको। सो टाई अभी हम रो जो सिलेक्ट करेंगे वो कौन सी मेथड से सिलेक्ट करेंगे, पर्टुब्रेशन मेथड से। सो उसके लिए क्या करना होगा, जो पर्टुब्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी जो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स है उन सबको स्टेप बाय स्टेप हम की नंबर, की कॉलम नंबर के जो एलिमेंट्स है इससे हम डिवाइड करेंगे। यानी कि सबसे पहला जो है यहाँ पे है 1, तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। उसके बाद माइनस 1 है तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली यहाँ पे जो स्लैक वेरिएबल है उसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, जहाँ पे टाई है वहाँ पे हम करेंगे जो 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4। सो ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमको ये यहाँ पे टाई वाली वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले S1, S2 यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले जो S1 स्लैक वेरिएबल के लिए हम देखेंगे, तो जो स्लैक वेरिएबल है यहाँ पे क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 0, और 0 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे मिली 0। सो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू हमको क्या मिली, 0, 0। यहाँ पे एक वैल्यू मिली 1 बाय 4 और एक वैल्यू मिली 0 बाय 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मिनिमम रेशियो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, एक है 0 और एक है 0.25। सो मिनिमम कौन सी होगी, ये, तो यही होगी हमारी की रो। तो हमको हमारी की रो मिल गई, सिंपल है। जो भी स्लैक वेरिएबल है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्लैक वेरिएबल के एलिमेंट्स है उनको जो की कॉलम के एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ टाइप वाले में ही डिवाइड करना है। सो यहाँ पे जो भी 0 है डिवाइडेड बाय 4 आएगा और दूसरे में 0 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 4। आगे में देखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन लेफ्ट से राइट जाते हुए यहाँ पे इन दोनों में से, यहाँ पे तो टाई हो गई, फिर से 0 और 0, यहाँ पे है 0.25, 1 बाय 4 यानी, और यहाँ पे 0। सो मिनिमम वैल्यू हमको ये मिली, सो ये हमारी होगी की रो। और इससे हम आगे सिंप्लेक्स मेथड के यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो जो हमको जो ये यहाँ पे की रो मिल गई और ये की कॉलम मिल गई, तो ये हमारा है की नंबर। और आगे जो स्टेप्स है वो सेम है सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके। सबसे पहले बेसिक लिखेंगे, सी बी लिखेंगे, एक्स वन, एक्स टू, एस वन, एस टू, एस थ्री, बी आई, जो सी जे है वो भी सेम रहेगा। उसके बाद एस वन, एस टू, यहाँ पे जो भी एंटरिंग वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, एक्स वन टू, यहाँ पे एक्स वन टू आएगा और ये एस थ्री ज़ीरो है वो लिविंग वेरिएबल हो जाएगा और ये एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे होगा, सो एक्स वन टू। उसके बाद जो यहाँ पे जो है की नंबर और ये
की रो है, तो की रो को हम की नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा, जो 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 वैल्यू आएगा। सो और ये जो है इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, FR दैट विल बी इक्वल टू, जो फ्रैक्शन रेशियो होगा वो क्या होगा, जो भी की कॉलम का एलिमेंट है यानी कि 4 डिवाइडेड बाय की नंबर यानी कि 4, जो फ्रैक्शन रेशियो है हमें क्या मिला, 1, और ये ओल्ड नंबर कितना है, 4, ओल्ड नंबर 4 है, तो ओल्ड नंबर में से हम फ्रैक्शन रेशियो जो भी की नंबर है उसको माइनस करेंगे, जो भी की रो एलिमेंट है दैट इज़, जो भी करस्पॉन्डिंग की रो एलिमेंट दैट इज़ 4 इंटू 1, सो यहाँ पे आंसर आएगा 0। उसके बाद सेकंड के लिए फाइंड करेंगे तो 3 माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, माइनस 1 इंटू की फ्रैक्शन रेशियो कितना मिला, 1, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे 4 आएगा आंसर। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर FR2 फाइंड करेंगे, इसके लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करेंगे, तो जो 4 है डिवाइडेड बाय की नंबर यानी कि करस्पॉन्डिंग जो इस रो के लिए फाइंड करना है हमको, जो की कॉलम में एलिमेंट है दैट इज़ 4, और उसके बाद जो की नंबर है वो कितना है, 4, तो यहाँ पे भी फ्रैक्शन रेशियो 1 ही आएगा। सो ओल्ड नंबर कितना है, ओल्ड नंबर फ्रैक्शन रेशियो हमको 1 मिला, तो ओल्ड नंबर 4 है माइनस करस्पॉन्डिंग नंबर कितना है, 4 की रो का, और जो फ्रैक्शन रेशियो है वो 1 है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। और सिमिलरली सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके बाद जो की रो है उसको की नंबर से डिवाइड कर देंगे और जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इस कॉलम के लिए जेड जे मिलेगा। दूसरी कॉलम के लिए फाइंड करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2। सेम वे हम फाइंड करेंगे जेड जे और उसके बाद हमको मिलेगा सी जे माइनस जेड जे, और वो इसका डिफरेंस होगा इन दोनों का, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 3/2 माइनस 1/2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 3/2 आएगा, फिर 0 और माइनस 1/2। सो यहाँ पे फिर से हमको ये जो है ये की कॉलम मिलेगी और हम यहाँ पे थीटा फाइंड करेंगे, सो थीटा फाइंड करेंगे सबके लिए, थीटा यानी कि BI डिवाइडेड बाय जो भी की कॉलम के एलिमेंट है वो, यहाँ पे ये की कॉलम है और उसके एलिमेंट्स हम डिवाइड करेंगे जो भी, और डिवाइड करके हमको मिलेगा की रो, यहाँ पे जो भी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है वो 0 नहीं सिलेक्ट करना है, इन्फिनिटी हो तब भी नहीं लेना है और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है एज अ की रो। सो यहाँ पे 1 जो है वो की रो मिल जाएगी, यहाँ पे ये की कॉलम मिल गई और ये हमारा की नंबर। सो आगे हम फिर से टेबल 2 लिख दिया और उससे हम टेबल 3 भी डिराइव करेंगे, यहाँ पे टेबल 3 आप देख सकते हो, सिमिलरली सी जे लिख देंगे और यहाँ पे जो एंटरिंग वेरिएबल होगा वो होगा X2 और 1, और ये हो जाएगा लिविंग वेरिएबल S10, S10 यहाँ से निकल जाएगा और ये एंटरिंग वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली जो की रो है उसको की नंबर से डिवाइड कर देंगे यानी कि 0/4, 4/4, 1/4, 0/4, -1/4 एंड 4/4, सो हमको सारी की सारी वैल्यू मिल जाएगी की नंबर से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो फ्रैक्शन रेशियो इसके लिए फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन रेशियो कितना मिलेगा, FR विल बी इक्वल टू जो भी यहाँ पे की कॉलम कौन सी है, ये वाली है, हम किसके लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करें, इसके लिए, तो की कॉलम का एलिमेंट कितना है 2 और की नंबर कितना है 4, सो उन दोनों का रेशियो लेंगे तो फ्रैक्शन रेशियो मिलेगा। ओल्ड नंबर कितना है, ओल्ड नंबर है 0, ओल्ड नंबर 0 को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग की रो नंबर, की रो कौन सी है, ये वाली है, उसमें करस्पॉन्डिंग मतलब उसकी लाइन में जो आता हो वो नंबर यानी कि ये वाला नंबर, सो 0 इंटू क्या करना है, फ्रैक्शन रेशियो, फ्रैक्शन रेशियो कितना है 1/2, सो यहाँ पे क्या होगा, आंसर आएगा 0। दूसरे के लिए फाइंड करेंगे वैसे ही सब के लिए फाइंड कर देंगे,
उसके बाद हमको क्या करना है, थर्ड के लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करना है। थर्ड रो के लिए फ्रैक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये की कॉलम है तो की कॉलम में एलिमेंट कौन सा है, -1/4, उसको डिवाइड करना है की नंबर से। की नंबर कितना है, 4, तो फ्रैक्शन रेशियो कितना यहाँ पे मिलेगा, 1/16 मिलेगा, ठीक है, -1/16। और उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी आगे की वैल्यूज़ है वो सारी फाइंड करनी है। यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना है, 1, माइनस करस्पॉन्डिंग रो में नंबर कितना है, 0, इंटू फ्रैक्शन रेशियो, यानी कि 0 हो जाएगा और यहाँ पे आंसर आएगा 1। सिमिलरली सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उसके बाद जेड जे फाइंड करेंगे। जेड जे जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। सिमिलरली सबके लिए जेड जे फाइंड करेंगे और सी जे माइनस जेड जे में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारी वैल्यूज हमको मिली आइदर वो क्या है, नेगेटिव और 0। सो जो हमारा सॉल्यूशन मिला वो हमको ऑप्टिमल मिला। और यहाँ पे जो x2 की वैल्यूज़ है, x2 इज़ इक्वल टू क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हो 1 है, x1 इज़ इक्वल टू क्या है, 9/4। तो हमारा जो z था 2x1+x2, उसके अंदर ये है वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और जो z है वो हमको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, जो कितना होगा, 9/2 जितना समथिंग होगा, 9/2+1 एंड द आंसर विल बी 11/2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, x1 इज इक्वल टू 9/4 और x2 इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 11/2। सो दिस वॉज अबाउट द डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट also वन टेकन द example ऑफ simplex मेथड इन which देर वॉज अ tie इन रो, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव अ नाइस डे।